नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा का बड़ा एक्शन, 11 शिक्षक और सस्पेंड किए, 92 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। तो चलिए विस्तार जान लेते, जबकि समझौता हो चुका है लेकिन हो सकता है ये आदेश उन अधिकारियों तक नहीं पहुँचा है। आइए जान लेते हैं। लैट चुके जबलपुर शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है जो स्कूल छोड़कर आंदोलन में शामिल होने भोपाल चले गए थे। शिक्षा विभाग ने 11 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है और 92 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जबलपुर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल छोड़कर आंदोलन में शामिल होने भोपाल जाने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने 11 शिक्षकों को निलंबित कर दिया, 92 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिन 11 शिक्षकों को निलंबित किया गया उसमें 3 प्राथमिक शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने, 3 माध्यमिक शिक्षकों को संयुक्त संचालक ने और 5 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को आयुक्त स्तर से निलंबित किया है। यह सभी स्कूल छोड़कर आंदोलन में शामिल होने के लिए गए ही साथ ही अन्य शिक्षकों को भी आंदोलन के लिए उन्होंने प्रोत्साहित भी कर रहे थे। गौरतलब है कि 13 सितंबर से अध्यापक संघ के बैनर तले राजधानी भोपाल में शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। इसमें प्रदेश भर के शिक्षक शामिल हो रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक कंट्रोल रूम भी जबलपुर में बनाया है जिसमें शामिल सदस्य अलग अलग संभाग से आने वाले शिक्षकों की संख्या और अन्य जानकारियां जुटा रहे हैं। जानकारियों के मुताबिक पूरे प्रदेश में 400 से ज़्यादा शिक्षकों को अभी तक नोटिस दिया जा चुका है, वहीं 50 के करीब शिक्षकों को निलंबित भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार की खबरें अभी तक आ रही, जबकि समझौता हो चुका है, निलंबन वापस लिया जाएगा और क्योंकि आदेश भी जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, अभी सरकार से ऐसा आदेश शायद इनको नहीं मिला, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई अभी भी जारी है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार लिखें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।